नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। और आज के यूपी में कौन सी है तीन ऐसी खबरें जिनका जिक्र होना, जिनके बारे में आपका जानना है जरूरी। आज सबसे पहली खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी विजय यात्रा की दूसरी शुरुआत बुंदेलखंड के दौरे के लिए बांदा से की है। वैसे तो उनकी विजय यात्रा की पांचवी चरण की यात्रा है, लेकिन बुंदेलखंड में अखिलेश यादव की यह विजय यात्रा दूसरी बार आई है। पहले चरण में शुरुआत कानपुर से जालौन होते हुए कानपुर देहात तक गई थी और आज बांदा से शुरू हुई है विजय यात्रा झांसी तक जाएगी। उसके बाद बात उस टीटी पेपर लीक की जिसने लाखों नौजवानों के सपनों पर पानी फेर दिया। यूपीएसटीएफ ने इस परीक्षा को कराने वाले सबसे बड़े अफसर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। संजय उपाध्याय ने पेपर छापने का ठेका उस कंपनी को दे दिया था जिसके पास अपनी प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं थी, या यूं कहा जाए सिक्योर्ड प्रिंटिंग का कोई इंतजाम नहीं था, जिसके पास पेपर छापने का कोई अनुभव नहीं था, उसको ये ठेका दे दिया गया। फिलहाल संजय उपाध्याय गिरफ्तार हो गए। तीसरी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए, या यूं कहा जाए कि सभी विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर अब जिनको शक है उनको अपने होने पर भी शक होना चाहिए। तो अब शुरुआत पहली खबर से, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय यात्रा से करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विजय रथ यात्रा निकाल रखी है, जिसकी पहली शुरुआत कानपुर से हुई थी और आज पांचवी रथ यात्रा थी, पांचवी विजय यात्रा थी, और बुंदेलखंड के लिए ये दूसरी यात्रा थी। अखिलेश यादव बांदा के जीआईसी ग्राउंड पहुंचते हैं, वहां पर एक भव्य मंच लगाया गया, लेकिन इस मंच पर अखिलेश यादव के साथ अपना दल कैमरा यानी कैमरावादी जो केंद्र में मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उनकी मां कृष्णा पटेल अखिलेश यादव के साथ थी। बीते ही दिनों समाजवादी पार्टी का अपना दल के गुट से, कृष्णा गुट से या कैमरावादी गुट से गठबंधन हुआ है। अखिलेश यादव के साथ कृष्णा पटेल और केशव देव मौर्य, महान दल के नेता, वो भी थे। बांदा की धरती से अखिलेश यादव ने 2017 के चुनाव में जो 19 विधानसभा में सपा का सूपड़ा साफ हुआ था उसको दुरुस्त करने की कोशिश की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में बुंदेलखंड की दुर्दशा और बीजेपी की जुमलेबाजी और झूठे वादों के सहारे कैसे बुंदेलखंड पिछड़ा, कैसे एक एक बूंद को बुंदेलखंड तरस रहा है, कैसे यहां का नौजवान बेरोजगार होकर पलायन करने को मजबूर है, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। हमसे खुद अखिलेश यादव ने बातचीत करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश में बदलाव की जरूरत है, यहां का नौजवान ठगा जा रहा है, यहां पर लीकेज प्रणाली लागू है, कोई भी परीक्षा होती है पेपर लीक हो जाता है, कभी लेक पेपर लीक होता है तो कभी सॉल्वर गैंग उसमें बैठकर सेंधमारी कर देता है। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा कि पेपर लीक सरकार ही कराती है ताकि वो बेरोजगारों को नौकरी देने से बच जाए, वो बेरोजगारों को नौकरी देना ही नहीं चाहते। बहरहाल इस विजय रथ यात्रा के जरिए बांदा से महोबा तक अखिलेश यादव का ये काफिला गया और रास्ते भर लोगों का हुजूम, या यूं कहा जाए समाजवादियों का हुजूम अखिलेश यादव का जगह जगह पर स्वागत करता रहा। अखिलेश यादव भी अपने विजय रथ यात्रा पर सवार होकर कभी बस के अंदर से, कभी विजय रथ के जो छत से खड़े होकर उन्होंने अपने लोगों का अभिवादन किया, स्वागत किया। और जो विजय रथ यात्रा के दौरान जो भीड़ उमड़ रही है उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव खासे उत्साहित हैं। बीते दिनों जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह विजय रथ दौड़ा तो इसकी शुरुआत गाजीपुर से हुई और लखनऊ आधी रात के वक्त भी इस रथ यात्रा के साथ हजारों लोग मौजूद थे, और उसके बाद आज बुंदेलखंड से बांदा से यह विजय रथ लोगों के हुजूम के साथ महोबा पहुंचा। कल विजय रथ ललितपुर से निकलेगा, परसों झांसी में विजय रथ निकाला जाएगा, यानी अगले 3 दिनों तक बुंदेलखंड के हर विधानसभा
को छूते हुए समाजवादी पार्टी का विजय रथ निकलेगा। कोशिश है कि जो बीजेपी ने 2017 में एक तरीके से सपा का सूपड़ा साफ कर दिया था वो इतिहास बदल दिया जाए और समाजवादी पार्टी अपनी यहाँ पर धमक को बरकरार रख सके, क्योंकि बुंदेलखंड हमेशा से ही अहम हो जाता है। अहम अपनी एक भौगोलिक दृष्टि की वजह से, बुंदेलखंड की बदहाली हमेशा से ही चुनाव का मुद्दा रहा है, लेकिन बुंदेलखंड की बदहाली चुनावी मुद्दा बनकर ही रहकर सिमट कर चला गया। बुंदेलखंड कभी बदहाल से खुशहाल होने के रास्ते पर नहीं चल पाया। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर के जो पहला जो प्रोजेक्ट होगा वो झांसी में बनेगा। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी भी महोबा और झांसी पहुंचे थे, यहां से बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। महोबा में प्रधानमंत्री दो बार आ चुके हैं, प्रियंका गांधी बीते सप्ताह यहाँ पहुंची थी। तो कहा जाए कि धीरे धीरे जिस बुंदेलखंड की बदहाली पर राजनीतिक दलों ने अपनी रोटियां सेकी, अपनी राजनीतिक गद्दी हासिल की, एक बार फिर चुनाव नजदीक हैं तो बुंदेलखंड सबको खूब भा रहा है। दूसरी खबर यूपीटीईटी के पेपर लीक की। यूपीटीईटी पेपर लीक मामले में यूपीएसटीएफ ने कल उस कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया जिसको पेपर छापने का ठेका दिया गया था। आज यूपीएसटीएफ ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया। पीछे सब सर हैं, इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी थी यह परीक्षा की शुचिता को, गोपनीयता को बरकरार रखने की और परीक्षा संपन्न कराने की। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जिस कंपनी को पेपर छापने का ठेका दिया गया वो कंपनी कभी पेपर ऑफलाइन पेपर कराने का कभी अनुभव ही नहीं था। कहा तो यहां तक जा रहा है कि उसके पास अपने प्रिंटिंग यूनिट तक नहीं थी, और इस बात को एसटीएफ के अधिकारियों ने भी कहा कि सिक्योर्ड प्रिंटिंग का कोई इंतजाम नहीं था। सिक्योर्ड प्रिंटिंग की बात करें तो सिक्योर्ड प्रिंटिंग का मतलब कि एक ऐसी प्रिंटिंग यूनिट जहां पर गोपनीय दस्तावेज, चाहे वो रजिस्ट्री के स्टैंप पेपर हो, सरकारी दस्तावेज हो, कई बार बजट, परीक्षा पेपर, ये जहां पे छापे जाते हैं उनके अपने एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, उसके एक अपने मानक होते हैं। जिस कंपनी को यह ठेका दिया गया, पीएनएस फिनसर्व करके कंपनी है, उसको यह ठेका दिया गया, राय अनूप कुमार नाम है जिनको गिरफ्तार किया गया, उनको एक पेपर छापने का 60 रुपया दिया गया। और उस 60 रुपये में इस कंपनी ने किया क्या कि जो ठेका दिया गया उसने 4 अन्य लोगों को यह ठेका बांट दिया, और उन 4 लोगों ने इस पेपर छापे, और पेपर छापने के बाद इस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी जिलों के ट्रेजरी में परीक्षा पेपर पहुंचाने की, तो इसने पहुंचाई। यूपीएसटीएफ को जांच में शक है, किसी पेपर को छापने और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही पेपर लीक हुआ है। फिलहाल यूपीएसटीएफ अब तक 34 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, और जिसमें 2 बड़ी मछलियां, एक कंपनी का मालिक जिसने यह करोड़ों का ठेका हासिल किया, जिसकी अपनी कोई कैपेसिटी नहीं थी, नियमों की अनदेखी करके इनको ठेका दिया गया, उस कंपनी का मालिक गिरफ्तार किया गया, और दूसरे उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी संजय उपाध्याय जो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी थे, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी इस परीक्षा की गोपनीयता और शुचिता को बरकरार रखने की, और जिनको अब इस कर्तव्य पालन में फेल हो गए और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल अभी गिरफ्तारियों का दौर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब तो जिसे खुद पर शक होगा वही अयोध्या में मंदिर निर्माण पर संदेह करेगा। सीएम योगी का बयान यह उन लोगों पर निशाना है, उन लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाने पर लिया है जो कल तक सवाल करते थे कि आखिर कब बनेगा मंदिर, कब होगा मंदिर का निर्माण। बीजेपी वोट हासिल कर लेती है लेकिन मंदिर निर्माण की तारीख नहीं बताती। ये बयान उनके लिए जवाब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान यह जवाब दिया है, ये कहा जाए कि ये बयान देकर उन लोगों का निशाने पर लिया है। दरअसल कार्यक्रम अयोध्या में आयोजित था, महर्षि वेद विज्ञान पीठ, तो उन्होंने कहा कि 2017 में जब वो आए, यानी बीजेपी सत्ता में आई, तो अयोध्या में रामलीला करवाई गई, और जो रामलीला करवाई गई उसमें अलग अलग देशों से रामलीला करने वाले लोगों को बुलाया गया। इंडोनेशिया से, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, वहां के कलाकार बुलाए गए,
और जो लोग आए थे, जितने भी पात्र थे उस रामलीला में, वो सभी मुस्लिम थे। इस बयान को या यूं कहा जाए कि इस रामलीला का जिक्र करके के सीएम योगी ने जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो परिचायक है वो बताने की कोशिश की है कि भगवान राम की नज़रों में सब एक हैं। भगवान राम का अस्तित्व मानव जाति के लिए है, मानव कल्याण के लिए है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में राम मंदिर और अयोध्या का जिक्र होना बहुत लाजमी है, क्योंकि बीते कई दशकों से, कई चुनावों से राम मंदिर निर्माण के मुद्दे ने सरकारों के गणित को बिगाड़ा है, सरकारों को सरकारें बनवाई हैं, पार्टियों को सत्ता से बाहर किया है। ऐसे में जिस मुद्दे ने सत्ता दिलाई, सत्ता गंवाई, उस मुद्दे का उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में जिक्र होना बहुत लाजमी है। आज का यूपी में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।